नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह मंगलवार की रात शताब्दी एक्सप्रेस से कलकत्ता से आए, जिसके बाद उन्होंने गांधी रोड स्थित नवीन सर्किट हाउस पर पहुंचकर पत्रकार वार्ता करी। ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे पार्टी के पूर्व नेता ग्वालियर की जनता को छल के कपट के साथ सरकार गिराई है, इसलिए उनकी ग्वालियर संभाग में क्या जनता के नजरों में छवि है और किस प्रकार वह अपनी पार्टी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए अपनी छवि बनाने का काम किया है। 21 तारीख को प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरा जनसेना ग्वालियर चंबल संभाग का सिंधिया जी को उनके गढ़ में बता देंगे कि आप जन आधार आपने धोखा किया, जनता आपके साथ छोड़ चुकी है और आपको राजनीतिक रूप से आपका पराभव शुरुआत हो गया है। ऐसा लग रहा है प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव है, हर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का कर्तव्य धर्म है कि जो प्रजातंत्र के समाप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी और शिवराज सिंह की सरकार जो अब एड़ी अगर सेल की खाल उड़ के आ जाए चुनाव के टाइम पे तो वो भेड़िया ही कहलाएगा, उसकी खूंखार आवाज नहीं निकलेगी, न प्रदेश की जनता पर उससे असर पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में बदलाव नहीं हुआ, बाकी जगह कर दिया बीजेपी ने बदलाव के, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमें बोलने का ना अधिकार है न मैं उसे बोलूंगा। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कब आए? मोदी जी को चेतुआ है, उन्हें अपने प्रधानमंत्री के प्रति गर्मा बोलना चाहिए। इस तरह की प्रधान सीधा अटैक नरोत्तम मिश्रा जी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए है, और क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, दो दो तीन दो छः, तो जो चेत काट के चले गए उनके लिए कहा गया है, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं कहा हुआ। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।